नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, RRC यानी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा लेवल वन ग्रुप डी की बहुत बड़ी भर्ती निकाली गई है। इसमें 1,03,739 पदों पर भर्ती आई है, जिसके लिए हाई स्कूल पास विद्यार्थी या ITI सर्टिफिकेट वाले विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए रेलवे के इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की सभी महत्वपूर्ण बातें, जैसे अप्लाई कब और कैसे करें, सीट की संख्या और इम्पॉर्टेंट डेट्स तथा सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटे के आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर सभी रेलवे जोन का मैप भी दिया गया है, जिसे देखकर आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट्स देखेंगे। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा 12 मार्च 2019 को शाम 5 बजे से, और आखिरी डेट है 12 अप्रैल 2019, यानी 1 महीने का समय दिया गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और ऑनलाइन पेमेंट का आखिरी डेट 23 अप्रैल 2019 तक है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT सितंबर से अक्टूबर के महीने में हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग सीट दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में 42,355 सीट, SC कैटेगरी में 15,559 सीट और ST कैटेगरी में 7,984 सीट है। OBC के लिए 27,378 सीट और EWS कैटेगरी के लिए 10,381 सीट है। टोटल 1,03,769 सीट है। और अलग इधर पर XSM, CCAA, PWBD और बैक PWBD के लिए भी अलग अलग सीट दी गई है। यहाँ पर अलग पद के हिसाब से सीट की संख्या दी गई है। जैसे असिस्टेंट पॉइंट्समैन के लिए 14,870 सीट, असिस्टेंट ब्रिज के लिए 913 सीट और ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के लिए 40,721 सीट है। दोस्तों, यहाँ पर नोट करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनका भी रिजल्ट 12 अप्रैल 2019 के पहले तक नहीं आया है या उसके बाद आएगा, वो लोग इसके लिए अप्लाई ना करें। अर्थात 12 अप्रैल 2019 के पहले तक जिनका रिजल्ट आ गया है, वही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी नोट करने वाली बात यह है कि CBT में निगेटिव मार्किंग होगी, जिसका 1/3 निगेटिव मार्किंग है। दोस्तों, अब यहाँ पर एज लिमिट यानी उम्र के बारे में बात कर लेते हैं। एज लिमिट 18 वर्ष से 33 वर्ष है, और एज को 1 जुलाई 2019 के हिसाब से काउंट करना है। और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग छूट भी दी गई है, जैसे OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल छूट दी गई है। अन्य कैटेगरीज के लिए भी छूट नीचे दी गई है, जिसे आप टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इस भर्ती के लिए आपको हाई स्कूल पास होना है, ITI सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। दोस्तों, अब हम एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरल और OBC के लिए 500 रुपये फीस है, जिसमें से CBT के बाद 400 रुपये आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। और सेस कैटेगरीज के लिए सबके लिए फ़ीस 250 रुपये है, जिसमें से 250 रुपये CBT के बाद CBT में अपीयर होने के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। दोस्तों, अब हम भर्ती प्रक्रिया यानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि इसमें सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT होगा, उसके बाद उसको पास करने के बाद फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट यानी PET होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल एग्ज़ाम होगा।
और हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम ड्यूरेशन 90 मिनट यानी 90 मिनट का होगा, जिसमें से 25 क्वेश्चन जनरल साइंस, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और 30 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के होंगे और 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे। यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट में करने होंगे। और अलग अलग सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक और पाइप और सिस्टम्स से प्रश्न आएंगे। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का भी यहाँ पर दिया गया है, सब आप देख सकते हैं। और जनरल साइंस का सिलेबस भी दिया गया है और करंट अफेयर का भी सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। करंट अफेयर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और अदर महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों अब हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीटी के बारे में देख लेते हैं। मेल कैंडिडेट्स को 35 केजी का वजन उठाकर 100 मीटर की दौड़ पूरी करना है 2 मिनट में, और उसके बाद 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर की दौड़ पूरा करना है। दोनों के लिए एक एक चांस दिए जाएंगे। और फीमेल कैंडिडेट्स को 20 केजी का वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर की दौड़ पूरी करनी है, और उसके बाद 5 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। सभी को केवल एक चांस दिया जाएगा। दोस्तों अब हम पोस्ट पैरामीटर्स देख लेते हैं। और यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है, जैसे 10th पास या ITI पास होना चाहिए। और यहाँ पर नीचे अलग अलग जोन का अलग अलग डिटेल सीट का वर्णन किया गया है। यहाँ पर मुंबई का सीट दिया गया है, जिसे आप पॉज करके पूरा अलग अलग देख सकते हैं। इसके नीचे है हाजीपुर का, ये सब पूरा सीट का डिटेल है। और इसके नीचे भुवनेश्वर, ये है भुवनेश्वर का अलग अलग सीट दिया गया है अलग अलग जोन का और अलग अलग डिपार्टमेंट में। यहाँ पर कोलकाता का है, और ये है इलाहाबाद का। इसके नीचे ये है गोरखपुर का पूरा सीट। इसके बाद ये जयपुर का पूरा सीट दिया गया है यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट का। और ये गुवाहाटी का अलग अलग डिपार्टमेंट है। और ये न्यू दिल्ली का अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से सीट दिया गया है। यहाँ पर सिकंदराबाद जोन का है, और ये बिलासपुर जोन का दिया गया है। यहाँ पर कोलकाता जोन का अलग अलग डिपार्टमेंट का सीट है। यहाँ पर हुबली जोन का अलग अलग सीट दिया गया है, और ये चेन्नई का है। और यहाँ पर जबलपुर का अलग अलग डिपार्टमेंट का सीट दिया गया है, और ये मुंबई का है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में घंटे के आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी और नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।